बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दर्शकों इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे वामसेप के उद्देश्यों की। वामसेप एक ऐसा संगठन जो कर्मचारियों का संगठन है और बहुत सारे लोग SC ST माइनॉरिटीज के लोग भी इसमें शामिल हैं, और OBC को बहुत बड़े रूप में अगर जागरण किया है तो इस वामसेप संगठन ने ही किया है, जिसकी स्थापना की थी माननीय कांतिराम साहब ने। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे वामन मेश्राम जी, आप सभी जानते हैं, उनके लिए किसी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करें, और इस चैनल के जरिए हम आप तक बहुजन मुद्दों की सार्थक चर्चा पहुंचाते रहेंगे। ये महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला था बहुत पहले, जिसमें नामांतरण का आंदोलन चला था, कई साल चला और कई लोग उसमें जो है शहीद भी हुए। लेकिन अगर सरकार बन जाती है तो वो सारी चीजें इतनी आसान हो जाती हैं, ये यूपी ने समझा दिया। तो अगर हम देखें तो आप जब भी BSP के खिलाफ आप बोलते हैं, ये तो काफी बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आप ये भी देखें कि BSP ने बहुत सारे निर्माण कार्य भी किए हैं, बहुत सारे जिलों गांवों का नाम भी बदला है, और उसको उस अनुभव को जो है उसको सम्मान भी दिलाया है। तो कई जो चीजें निर्मित की हैं, कई जो योजनाएं चलाई हैं जिसका दलितों को बहुजनों को लाभ मिला है, तो इसके साथ जो अगर हम तोलें तो उनका जो ये जो दूसरी जातियों के साथ में या ब्राह्मणों के साथ में अगर थोड़ा बहुत तालमेल करके अगर वो राजनीति को अपना चला रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? पहली बार जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो आपको पता है मुख्यमंत्री कांशीराम जी थे, वो उधर ही थे, और जो चीफ सेक्रेटरी प्रसाद को लेके गए थे दिल्ली से, सवेरे 8 बजे प्रसाद हाजिर होते थे कांशीराम जी के पास, मुख्यमंत्री मायावती के पास नहीं जाते थे, और दिन भर क्या करने का उनसे इंस्ट्रक्शन लेते थे। तो चेहरा था मायावती का, और सारे काम जो है पर्दे के पीछे से चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर साफ करते थे। वो काशीराम जी करते थे। तो पर्दे के पीछे चीफ मिनिस्ट्री का काम जो है काशीराम जी करते थे, तो जो फैसले मायावती ने लिए आप कह रहे हो, वो सारे के सारे फैसले काशीराम जी के लिए हुए फैसले है। जब मायावती की 5 साल की सरकार बनी ना, मतलब 2007 में मायावती की सरकार जब बनी ना, उसके बाद कौन सा काम किया मायावती ने? वो तो 6-6 महीने की जो 3-4 बार सरकार बनी जिसमें कांशीराम जी देख रहे थे, जब 5 साल की सरकार बनी उसके गिनती करो काम, 5 साल चलने वाली सरकार बनाई मायावती ने, तब उसने कौन सा काम किया? अरे अच्छा, वो जो पिछले काम जो अधूरे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का थे। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का कानून पास कर सकती थी, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं किया। क्यों? मिश्रा ने उनको बताया, बहन जी रिजर्वेशन इन प्रमोशन अगर आप कानून पास करेगी तो ब्राह्मण समाज नाराज हो जाएगा। मायावती ने कहा अच्छा, तो फिर गलत हो जाएगा, ब्राह्मण समाज नाराज हो जाएगा तो फिर वोट नहीं देगा। वैसे भी वो BSP को थोड़ी वोट देता था, जो ब्राह्मण को टिकट देते थे उसको वोट देता था, BSP को तो वोट देता नहीं था। तो मायावती जो कर सकती थी नहीं किया। उसके 21 मेंबर पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट में एक दिन भी SC ST के एट्रोसिटी पर पार्लियामेंट बंद नहीं करवाया। अगर ऐसा मायावती करती तो उत्तर प्रदेश के बाहर भी SC ST के लोग सारे देश भर में उससे जुड़ते कि नहीं जुड़ते हैं? ज्यादा संख्या में कि के चंद्रशेखर राव के 6 मेंबर पार्लियामेंट थे, और वो तेलंगाना स्टेट के लिए हर पार्लियामेंट सेशन को बंद कर देते थे एक दो दिन के लिए। मायावती के 21 मेंबर पार्लियामेंट थे, एक दिन भी पार्लियामेंट SC ST के एट्रोसिटी पर बंद नहीं करवाया। अगर ऐसा करती मायावती तो उत्तर प्रदेश के बाहर भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग ज्यादा संख्या में जुड़ते कि नहीं? नहीं जुड़ते। तो ऐसा नहीं किया।
काशीराम जी के समय में जो काशीराम जी 6-6 महीने मुख्यमंत्री बनाते रहे, तब उन्होंने जो फैसले किए, आप बोल रहे मायावती ने किए, वो फैसले तो काशीराम जी के किए थे, क्योंकि हम तो बामसेब के लोग हैं ना। देखो बीएसपी जो है ये बामसेब का बच्चा है, हम बाप लोग हैं, तो बच्चे को संभालना हमारे पास जानकारी है सारा, तो बच्चे की गलती भी माफ करनी पड़ेगी, बच्चे का काम भी मरोड़ना पड़ेगा। सुनो, 200% बराबर है। तो मैं बच्चा जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो बच्चे के पिछवाड़े पर लात मारी जाती है, कान पकड़कर सुधारने का भी काम करवाया जाता है, मगर जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसके पिछवाड़े पर लात मार के बाप क्या करता है, मैं देहात का रहने वाला हूँ, उसको बोलते तेरी बीवी और तू, ये 2 एकड़ जमीन है, ये तू और तू अलग अलग रहे, करते कि नहीं करते? पता है, मैं देहात का रहने वाला हूँ, देहात के लोग ऐसा करते हैं, ये इधर हमको झगड़ा नहीं चाहिए, ये तू अपना देख। तो हम लोगों को जो उत्तर प्रदेश में 5-7 लाख लोग इकट्ठा हुए, तो बाहर के प्रदेश से तो हमने नहीं लाए, तो इसका मतलब जो लोग मायावती के साथ जुड़े थे वो लोग अभी 5-7 लाख लोग हमारे साथ भी आ रहे हैं, हमारे साथ 4 लोग बैठने के लिए राजी नहीं होते थे, अब इतने लोग आ रहे हैं, और मायावती का आंकड़ा नीचे आ गया, 19 MLA हो गए। ठीक है, धन्यवाद जी 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 जी। एक बात, दूसरी बात, दूसरी सुनो जी जी, जी सुनो, पूरी बात नहीं सुनते हो ना, ये अधूरी बात सुनते। बोलिए बोलिए। मैं कनाडा गया था, कनाडा में बीएसपी के समर्थक मिले, कहा कि आपको मायावती को समर्थन दे देना चाहिए। अमेरिका में गया, कहा मायावती को समर्थन देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया गया, कहा मायावती को समर्थन देना चाहिए। लंदन गया, कहा मायावती को समर्थन देना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो ला कागज ला, लिख के देता हूं जी, लिख के देता हूं, मिश्रा को पार्टी से निकाल दो। मिश्रा जो है काशीराम जी के समय तक वो एक वकील था, पार्टी का महासचिव, तो काशीराम जी की मृत्यु होने के दूसरे दिन बनाया उसको। तो पार्टी का जो ऑल इंडिया का पदाधिकारी जो है वो काशीराम जी के रहते रहते जिसको रणनीति बोलते हैं वो कर रहे थे, तो समझ में आता है कि काशीराम जी रणनीति कर रहे थे। मायावती उनके जाने के बाद उसको महासचिव बना दिया। अब मैं समझ सकता हूं कि उसको महासचिव बनाने का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जो भ्रष्टाचार के केस है मायावती के, उसमें मायावती को बचाना जरूरी है, इसलिए वो ऐसा कर रही थी, ये बात भी समझ में आती है। ठीक है, तो उसके लिए एक वकील रखो, उसका पैसा दो, फीस दो, ज्यादा दो, उसको पार्टी का महासचिव बनाने की जरूरत है। मैंने उनको कहा कि मैं ये लिख कर दे रहा हूं, उसको निकाल दो, हम अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, कोई कंडीशन नहीं, निकाल दो। ये नहीं निकालेंगे तो हमारा मानसिक में तो सिद्धांत ही है, अभी ये सिद्धांत रहते हुए हम सपोर्ट कैसा दे? मानसिक तो SC ST OBC माइनॉरिटी का संगठन है, इसमें ब्राह्मण एंट्री नहीं हो सकता। काशीराम जी को जांजगीर में सवाल पूछा पत्रकार ने, ये DS4 में कौन कौन जाति आती है? तो काशीराम जी ने जवाब दिया, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सारे DS4, बाकी सब DS4। तो पत्रकारों ने लिखा अखबार में, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर बाकी सारे DS4, उल्टा लिख दिया। तो उनका सिद्धांत जो बामसेब के लिए लगाया हुआ है उस पर तो हम तब भी अमल कर रहे थे जब काशीराम जी से अलग हुए, तब भी हम उसी पर अमल कर रहे थे जो सिद्धांत उन्होंने बनाया था, जो सिद्धांत हमारे पुरखों का था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांत था। काशीराम जी का कोई नया सिद्धांत थोड़ी था, तो बाबा साहब ने बनाया था। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक पूछना चाहूंगा एक बात कि अक्सर हम देखते हैं जाति सवर्ण पार्टी। हमने उनको ये कहा, सुनिए, हमने उनको ये कहा उन लोगों को कि आप जाओ मायावती से बात करो, उनको ऑस्ट्रेलिया वालों को कहा, लंदन वालों को कहा, कनाडा वालों को कहा और अमेरिका वालों को कहा कि आप जाओ मायावती से बात करो। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको? हम कैसे जा सकते,
हम कैसे जा सकते, मायावती हमको दरवाजे के अंदर ही नहीं लेगी, हमारी बात ही नहीं सुनेगी वो, तो हम कैसे बात कर सकते। मैंने कहा जब तुमको अंदर ही नहीं लेने वाली, तुम्हारी बात सुनने वाली भी नहीं, मानने वाली तो छोड़ दो, तो उनकी तरफ से बगैर पैसे लिए वकालत क्यों कर रहे हो? तुम अंधा होकर के उसका सपोर्टर क्यों बने हुए? कोई सिद्धांत होना चाहिए ना सपोर्ट देने का ना देने का। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को समझौता करने का कार्यक्रम हमारा, मामसेब का समझौता करने का कार्यक्रम कहा है? मामसेब चुनाव थोड़ी लड़ती है, आरएसएस चुनाव लड़ती है क्या? नहीं, आरएसएस समझौता करती है कांग्रेस के साथ में, अलग अलग पार्टी के साथ में, वो बीजेपी वाले करते हैं। और जिन छोटे छोटे पार्टियों के साथ समझौता करती बीजेपी, उसके पिछवाड़े भी लात मारती है, नहीं लेकिन भी मारती थी। लेकिन आरएसएस कभी बीजेपी की आलोचना भी नहीं करती, और ना ही दूसरे ना आरएसएस बीजेपी की आलोचना भी नहीं करती। पता नहीं आप कैसे पत्रकार है, मुझे तो समझ में नहीं आता। बिल्कुल नया नया हूं सर। अडवाणी अडवाणी के विरोध में अभियान चलाया था सुदर्शन ने, आरएसएस के लोगों के बारे में अभी सारी बातें मैं इधर बोलूंगा तो फिर मेरी भी मुश्किलें बढ़ जाएगी कि उन्होंने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को खुडे लाइन लगा दिया। नहीं तो आप तो आरएसएस से डरते नहीं है वैसे भी, आप तो आरएसएस से कहां? मेरी बात नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात नहीं बोल रहा हूं, हम तो उनके विरोध में सारे देश भर में अभियान चला रहे, हम थोड़ी लड़ते हैं। मगर मध्य प्रदेश में जब मैं गया था तो उन्होंने, उनकी सरकार थी तब भी हम लोगों को वहां उन्होंने प्रॉब्लम करा के जाता आदिवासी सम्मेलन में, तो हम लड़ते लड़ते थोड़ी है। नहीं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आपने बहुत सारी बातें बताई, मैं तो एग्जांपल देकर बताया। जी जी, आप जो कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। आरएसएस वाले कान ही नहीं पकड़ते, राजनीति से उनको खुडे लाइन भी लगा देते हैं। सार्वजनिक तौर पर इस तरह से नहीं बोलते शायद। अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज भी अडवाणी की तबीयत अच्छी है। अटल बिहारी वाजपेयी की उतनी तबीयत अच्छी नहीं थी तब भी उसको खुडे लाइन नहीं लगाया आरएसएस ने, मगर अडवाणी की हालत अटल बिहारी से आज भी ठीक है 96 ईयर ओल्ड में। जी 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 जी, मगर उसको सक्रिय राजनीति से एक प्रकार से जबरदस्ती आरएसएस ने संन्यास दिलवा करके घर में बिठा दिया। ये बात सब लोगों को पता है देश भर में। एक दो बार अडवाणी ने पत्रकारों को रोते हुए फोटो भी निकाले, और वो फोटो जो है इंडिया टुडे में छपकर भी आए। आरएसएस के लोगों के बारे में अभी सारी बातें मैं इधर बोलूंगा तो फिर मेरी भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। हाँ, वो तो जो ये... आप कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। वो अपने उद्देश्य के विरोध में जाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। बामसेफ का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या राजनीतिक पार्टी है या सत्ता हासिल करना है, क्या है? और दो बातें आप ध्यान रखो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण करना, ये इस संविधान ने जो बनाया, संविधान है, संविधान सभा ने बनाया, उसका ऑब्जेक्टिव है। तो जो ऑब्जेक्टिव बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के सामने रखा वही हमारा है। इस देश को और समाज को समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, इसके लिए जो लोग केंद्र की सत्ता में काबिज नहीं होंगे वो ऐसा समाज निर्माण नहीं कर सकते। केंद्र की सत्ता में कांग्रेस के लोग काबिज हो गए, वजह जन आंदोलन कांग्रेस का जी। तो हमने जन आंदोलन चलाने का निर्णय किया ताकि केंद्र की सत्ता पर लोग काबिज हो जाए, और काबिज होने के पहले आजाद हो जाए ब्राह्मणों से। ज्योतिराव फुले का आंदोलन ये था कि हमें अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने के पहले ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करना है। इसलिए ज्योतिराव फुले शामिल नहीं हुए, शाहू महाराज शामिल नहीं हुए, बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। ये कांग्रेस का आंदोलन अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करना है, हमारा आंदोलन ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करना है। हमारा पहला लक्ष्य जो है ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करना, और आजाद लोग जब आजाद हो जाएंगे तो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे
तो सत्ता का उपयोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए किया जाएगा। इसलिए अभी हम लोग जन आंदोलन पर काम कर रहे हैं, जन आंदोलन पर काम कर रहे हैं, और वाकई ये आपका काम सचमुच सराहनीय भी है। लेकिन जिस तरह से हम अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट है, हम अपने दिमाग में स्पष्ट है क्या करना, कैसे करना, कब तक करना, कौन इसको समय कैसे लगाएगा, ये सब हमारे प्लानिंग में सारा क्लियर है, उसके लिए हम लगे हुए। जी जी जी। महाराष्ट्र में फुले शाहू अंबेडकर को आगे बढ़ाने के लिए पहले नंबर का रुकावट क्या है, क्या रुकावट है? नहीं, ये तो रुकावट तो बहुत नहीं, क्या क्या रुकावट, पहले नंबर की दूसरे तीसरे चौथे नहीं, नहीं नहीं नंबर तो बहुत सारे, पहले नंबर की रुकावट है आरपीआई। समझ लो, जितने जल्दी ईमानदारी से, ईमानदारी अगर है तो पहले नंबर की रुकावट। तो जो काम आरपीआई रुकावट का काम कर रही है, जो इस देश में काशीराम जी ने प्लान बनाया था उस पर अमल करने के लिए, अब वही काम भी यूपी में, महाराष्ट्र में जो आरपीआई कर रही, वही काम अब मायावती कर रही। अच्छा, रुकावट तो दूर करना पड़ेगा भाई। हम बात कर रहे हैं बामसेब की, और आप 75% बातें सिर्फ बीएसपी की बता रहे हैं। बहुत, अभी एक उदाहरण देता हूं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, धन्यवाद, एक्सीडेंट होने के बाद वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो डॉक्टर बोलता है ये आधा पैर काटना पड़ेगा। बोलता है नहीं, मैं पैर नहीं काटना चाहता। तो बोलता दूसरा विकल्प मरना है। कैसे? कहा कि ये आधे पैर में जहर चढ़ गया है, अगर ये नहीं काटा गया, और वो भी घंटे दो घंटे में, तो ये दो घंटे में यहां तक कमर तक जहर पहुंच जाएगा, दो घंटे के बाद फिर कमर के पास से काटना पड़ेगा, तो जल्दी बताओ यहां आधा काट दें कि मरना है। तो निर्णय करना पड़ता है, करना पड़ता कि नहीं? वाकई वाकई। तो ये ऐसे निर्णय करना पड़ता भाई, ये आरकेआई रुकावट है, वो बीएसपी रुकावट है। तो ये आंदोलन सारे देश भर में अगर सफल करना है, कोई एक राज्य का मामला नहीं, किसी को एमएलए एमपी या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनाने का मामला नहीं है। काशीराम जी का आंदोलन नेशनल लेवल का मूवमेंट था, यूपी का मूवमेंट नहीं था, महाराष्ट्र का मूवमेंट नहीं था। मायावती की औकात ज्यादा से ज्यादा यूपी की है, यूपी के बाहर उसकी औकात है नहीं कुछ भी, उसके पास समझदारी भी नहीं है, उसके पास जानकारी भी नहीं है। कहा कि योगी आदित्यनाथ राम के आदर्शों पर चलना चाहिए, पता है क्या आदर्श है राम के? जानकारी भी नहीं है, ज्ञान ये तो बहुत दूर की बात है, जानकारी ही नहीं है। तो आपको लगता है अरे घाम खा, आप ये तो सारा 75% आपने इस पर किया, तो क्या हमारी खुशी है क्या? है खुशी से बोल रहा हूं क्या? ऑपरेशन पैर काटना पड़ता है तो खुशी से काटना पड़ता है क्या? दिल पर पत्थर रख के काटना पड़ता है कि खुशी से काटना पड़ता है? सारी चीजें पहले सोचनी पड़ती है, बाद में अमल में लाना पड़ता है, निश्चित होते हैं। मायावती के साथ, मायावती के साथ कोई दुश्मन, मेरी कोई जाति दुश्मनी है? मायावती की खेती, वामन मेघराम की खेती, खेती के खेती, खेती को खेती लगी हुई है, क्या धुरियल धुरल लाग ले लगा कि मेरे बैल मायावती के खेती में जा रहे, मायावती के बैल मेरे खेती में आ रहे, इसकी वजह से वामन मेघराम का और मायावती का झगड़ा चल रहा है, ऐसा कोई झगड़ा है क्या? समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल 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 सर, मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं है भाई। अरे सिद्धांतों का मामला है, सिद्धांत टकराते हैं तो लड़ाई होती है, सिद्धांत टकराते हैं तो लड़ाई होती है। जब मायावती ने उस दौरान, जब बाबा साहब अंबेडकर का अंबेडकर पार्क बनाया, जब वो सुप्रीम कोर्ट में और इधर उधर पत्रकार लोग ये कर रहे थे, तो मैं यूपी में जाके इस बात को डिफेंड कर रहा था, ये सही फैसला है जी सर, लेकिन जो सही है वो सही है, तो सुनिए, जो सही है सही है, जो गलत है वो मायावती के मुंह पर भी और कहीं पर भी और किसी के सामने भी।
कहेंगे सर शुरू करेंगे। तो एक बात तो है, सिद्धांत देखो, ब्राह्मणवाद का सिद्धांत, अंबेडकरवाद का सिद्धांत, अब ये दो सिद्धांत में लड़ाई नहीं होगी तो ये सिद्धांत काय के लिए, सिद्धांत काय के लिए जी जी जी, और हमारे अलग सिद्धांत है, ऐसा ढिंडोरा काय के लिए पीटने का। अरे सिद्धांत अलग है तो सिद्धांतों में टकराव तो होगा ही होगा। अच्छा, ये आपके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं और उसको हासिल करने के लिए आपने एक प्लान बना रखा है, वो काफी दूर भी है, वो बहुत नजदीक नहीं है, निश्चित रूप से समय लगता है इस प्रकार के कामों में। तब तक जो बहुजन युवाओं का क्या होगा, क्योंकि संविधान खत्म हो गया है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, सारे संस्थान भारत के जो हैं वो बेच दिए गए हैं, निजी हाथों में चले गए हैं, एक बार फिर से राजाओं का शासन आने जैसी स्थिति बन चुकी है। तब तक युवाओं की जो मनोबल है उनका जो, वो तो खत्म हो जाएगा, तब तक जो स्टेबल कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई भी तो आवश्यक है। क्या युवाओं को, तो क्या हमने युवाओं को नौकरी देने के लिए आंदोलन शुरू किया? ये हमारा ये व्यवस्था बदलने का कार्यक्रम है, आजादी हासिल करने का कार्यक्रम है, और जब हम व्यवस्था का बदलने का, आजादी हासिल करने का कार्यक्रम करेंगे, करने लायक होगी तब बोलेंगे ना इसके बारे में। और जब तक हम इस बारे में नहीं होते तब तक जो हमारे पास करने लायक काम है वो करेंगे ना। सत्ता अगर हमारे पास है रोजगार देंगे, सत्ता नहीं है तो रोजगार देने के लिए आंदोलन करेंगे। नहीं नहीं वो तो ठीक तो है वो करेंगे ना। तब तक के जो लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं वो तो उसको तो समर्थन मिलना चाहिए ना, तब तक तो ये था, क्योंकि आपने ईवीएम, आपने तो ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। देखो अभी 400 जिलों में युवाओं का हमने संगठन बना लिया है, तो हमारे अलावा युवाओं का राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कौन चला सकता है? 400 जिलों में संगठन बना दिया, 2 अप्रैल का आंदोलन भी स्वस्फूर्त ही था, इसीलिए 13 लोग मारे गए। जब हम 5 मार्च 2019 में आंदोलन किया, एक आदमी नहीं मरने दिया। नेतृत्व भी इन आंदोलन जो है उसकी यही गत होती है, 13 लोग मारे उन्होंने जी। 2 अप्रैल के आंदोलन में लोगों, नेतृत्व भी इन आंदोलन है, 13 लोग मारे गए, असर भी हुआ। हाँ तो फिर इसका मतलब आपका क्या कहना है? नहीं, लोगों को मारना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में कितने लोग मरे थे? कभी नहीं, कोई नहीं मरा, उनके आंदोलन का असर नहीं पड़ा, पड़ा। ओके। मेरे जानकारी में तो नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी मोर्चा निकाला और उसमें लोग मारे। मैं ये कह रहा हूं आप ध्यान नहीं दे रहे पर्टिकुलर नहीं, बात पर। नेतृत्व विहीन आंदोलन नहीं करना चाहिए। जी, मैं जी, क्या जी। बोल रहा हूं आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मेरा मुद्दा आंदोलन विरोध नहीं है, मेरा कहना है 2 अप्रैल का आंदोलन नेतृत्व विहीन था जी, नेतृत्व विहीन आंदोलन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आजादी हासिल करने के लिए करना चाहिए तो एट्रोसिटी बंद होगी। बाबा साहब अंबेडकर ने एट्रोसिटी खत्म करने के लिए अपने जीवन में कितने आंदोलन किए? एक भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब जो आपने, बाबा साहब अंबेडकर को समझ में नहीं आता था, इसलिए व्यवस्था बदलने के लिए संविधान में व्यवस्था किया जी, उस पर ध्यान देते थे। आपको एक एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो जी, बताइए। हेलो जी जी जी, बोलिए 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 सर। बाबा साहब अंबेडकर ने नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह चलाया था, याद है जी, मंदिर प्रवेश का चलाया था ना। उस दौरान बाबा साहब को 1930 को लेटर आया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कि आप उधर आओ जी, उन्होंने आंदोलन स्थगित कर लिया okay. और लंदन गए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उधर बहुत दिन रहना पड़ा, बहुत दिन रहना पड़ा, 5-6 महीने बाबा साहब को। तो दादा साहब ने चिट्ठी लिखी लंदन में के राम मंदिर का आंदोलन दोबारा शुरू करने के लिए अनुमति दिया जाए। बाबा साहब ने चिट्ठी लिखी, बिल्कुल नहीं, राम मंदिर का आंदोलन हमारे लोगों के अंदर हमारे मानवीय अधिकार
हासिल करने के लिए, जिद पैदा करने के लिए, संघर्ष करने के लिए ये शुरू किया गया था। संघर्ष करने की भावना हमारे लोगों में पैदा हो गई है और उसका मकसद पूरा हो गया है। कालाराम मंदिर में जाकर राम का दर्शन करना हमारे आंदोलन का मकसद नहीं था जी। आ रहा समझ में आया? वाकई। और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गए और वहां कहा हमारे लोगों को सेपरेट लोकेट मिलना चाहिए ताकि राज्य सत्ता में जाकर हम कानून बना सके और हमारे लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके अंदर सत्ता में जाकर। जी जी जी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी से टकराव लिया, ये इतिहास तो मालूम होगा आपको। जी जी जी। इसीलिए जिंदगी भर में उन्होंने व्यवस्था में बदलाव करने के लिए लड़ाई लड़ी, एट्रोसिटीज के लिए आंदोलन नहीं चलाया। वो जानते थे सत्ता रहेगी एट्रोसिटी बंद हो जाएगी। जी। गांधी ने ज्वाइंट लोकटेट थोप दिया और अभी हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, 1350 से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं, मगर वो सारे दलाल भड़वे हैं, ऐसा बाबा साहब ने कहा। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आउट एंड टू अनटचेबल में कहा, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल में कहा, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में लिख कर रखा। वाकई वाकई। तो ये आपने जो एक आंदोलन शुरू किया, ये इसका मतलब है व्यवस्था बदलने पर जोर लगाया। तो ये जो व्यवस्था आखिरी तक, ये जो व्यवस्था बदलेगी सत्ता हस्तांतरण के लोग जो तरफ, हम लोग सुनो इसीलिए दो अप्रैल का जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन था, ये मैं कह रहा हूं। जी जी जी। मेरा मुद्दा ये आंदोलन नहीं करना चाहिए, नहीं कह रहा हूं आंदोलन करना चाहिए, नेतृत्व के लिए आंदोलन करना चाहिए। हाँ, नेतृत्व विहीन नहीं होना चाहिए। नेतृत्व हो, संगठन हो, मुद्दा हो, इश्यू हो और आंदोलन हो, तो विकल्प खड़ा होगा। विकल्प खड़ा होगा तो समस्या का समाधान करने की ताकत हमारे हाथ में रहेगी। मेरा तो, ये कहना है तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन का ये जो आंदोलन है और ये जो आपने सत्ता हस्तांतरण का आंदोलन चला रखा है, जो आपका टारगेट है, वो वामन जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी तो यही है जी, अभी तो कोई है नहीं। व्यवस्था परिवर्तन का जन आंदोलन का काम तो मैं खुद ही बोल रहा हूं आपको कि मैं ही इसको लीड कर रहा हूं जी। और अभी मेरी सेहत बहुत मजबूत है, 20 साल तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, आप सतायु हो और निश्चित रूप से इस आंदोलन को और इसका बंदोबस्त जो है ये 20 साल में, अब 10 साल में ही, 20 साल तो थोड़ा ज्यादा समय बोल रहा हूं, बस 10 साल में ही देश में बहुत बड़ी ताकत हमारी खड़ी हो जाएगी। आज ही पॉलिटिकल क्लाउड तैयार हो गया और एग्जांपल दिया ना, एक नेशनल लेवल के पार्टी ने 40 लोकसभा की सीटें देने का वादा किया। जी जी, वाकई वाकई रिजेक्ट कर दिया। जी जी जी। आप अपने उद्देश्य में तो अभी हमारी छोटी ताकत है, 10 साल में 10 गुना बड़ी होगी तो 40 का आंकड़ा कितना बढ़ेगा, अंदाज लगाओ। वाकई। तो चलिए, बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही और आप शतायु हो, साथ साथ आप अपने उद्देश्य में सफल भी हो और एक नया भारत लोगों को देखने को मिले, इस उम्मीद के साथ हम ये बातचीत यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। आगे फिर आपसे मिलेंगे और बहुत सारी बातों पर, बहुत सारी चर्चाएं आपसे पुनः करेंगे, क्योंकि आवश्यकता है जन आंदोलन को सही ढंग से नेतृत्व की और जनता में सही जो मार्गदर्शन है वो पहुंचाने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका भी धन्यवाद।